गुड आफ्टरनून, काव्य की किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम साउथ का फेमस कुंदरू की चटनी बनाने वाले हैं, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, प्लीज़ आप भी जरूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए अच्छी ताज़ी कुंदरू 400 ग्राम अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर पैन में सरसों का तेल डालें। तेल गर्म होने के बाद एक चम्मच पीली सरसों, सौंफ, जीरा डालकर इसे भून लें। चटकने के बाद कुंदरू जो काट के रखे थे उसे डाल लें और 50% तक फ्राई करके उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता, अदरक, लहसुन, सूखा मिर्च और थोड़ा सा इमली, इन सबको फ्राई कुंदरू में डाल दें और इन सबको बाकी का 30% फ्राई करके पका लें। फिर इन सब में स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर को डालकर 3 मिनट तक सौटे कर लें और धनिया की पत्ती डालकर 2 सेकंड के लिए भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर 3 मिनट के लिए ढक कर रख दें। हमारी कुंदरू अब पककर रेडी है। अब ठंडा होने के बाद मिक्सी के बर्तन में सारे मटर को डालकर ग्राइंड कर लें। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। पैन में ऑयल डालें, फिर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और कुछ लहसुन की कली और 3 या 4 सूखी मिर्च को डालकर भून लें। फिर उसमें चने की दाल को डालकर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। फिर उसमें कड़ी पत्ता डाल दें और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिला लें। फिर जो मटर हम पीस के रखे थे उन सबको फोरन में डाल दें और 5 मिनट तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। फिर ढककर एक साइड में रख दें। अब कुंदरू की चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। इसे गरम गरम चावल के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। ना दाल की जरूरत पड़ती है, ना सब्जी की जरूरत पड़ती है। थैंक यू।